हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये फोकस होने वाला है कि अगर आप लोगों को यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना है या फिर आप लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो, ट्रैवल वीडियोस, फैमिली वीडियोस एटसेट्रा, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपको एक मिनिमम क्या सेटअप होना चाहिए। काफ़ी सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे एक्विटेंसेस हैं, मेरे को पूछते हैं कि भाई अगर उनको यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना है तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट उनके पास क्या होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये सजेशन होगा कि DSLR और यूट्यूब स्टूडियो, ये सारी चीज़ें अभी बात की हैं। अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो उसके लिए मैं बेस्ट आपको सेटअप बता देता हूँ। 90% ऑफ माय वीडियोज़ आई एम यूजिंग डैट सेटअप ओनली, और अंडर 1000 ये सेटअप आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बारे में मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूँगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी इस सेटअप को ईजिली ले सकते हैं, कंफर्टेबली ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले एक हमारा ट्राइपॉड आता है। ये एक बहुत ही बेसिक ट्राइपॉड है, और ये देखिए ये है फोन माउंट। ये दोनों साथ ही अवेलेबल होते हैं, और प्लस में हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो चाहिए एक सिंपल सा माइक। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, अभी आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड गोरिल्ला ट्राइपॉड। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज दिस इज़ वेरी चीप। सेकंड एडवांटेज, दिस इज़ वेरी कॉम्पैक्ट। एंड थर्ड एडवांटेज इज वी कैन यूज इट इन डिफरेंट एंड मल्टीपल वेज, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। ये है वो सेटअप जिसके बारे में मैंने आपको बताया था अभी। तो फ्रेंड देखिए, इसमें आप ये देख रहे हो इस तरीके से इसको प्रेस करते हैं, देन प्रेस करने के बाद हम इस तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये पूरी तरीके से हमारा मोबाइल इसमें इंसर्ट हो चुका है और ये बिल्कुल फिक्स है। और अब हम चाहें तो किसी भी पोजीशन में इसको स्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चारों तरफ एडजस्टेबल है, हम चाहें तो किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप और क्लियरली देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये है कि देखिए ये 360 डिग्री रोटेबल है, इसको हम 360 डिग्री कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, सो डैट कि अगर हमें किसी भी एंगल से वीडियो को शूट करना हो तो हम इसको ईजिली कर सकें। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक चीप अल्टरनेटिव है, बहुत ज़्यादा चीप, बिल्कुल बेसिक है, ये तो आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। तो ये था मेरा स्टैंड, और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको, किसी भी डायरेक्शन में आप ये देखिए, इसको आप रोटेट कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ कि आप देख सकते हो किस तरीके से ये 360 डिग्री रोटेटेबल है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो बिल्कुल बेसिक ट्राइपॉड है, जो कि अप्रोक्स 200 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये यूलानजी कंपनी का ट्राइपॉड, जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली 2000 अप्रोक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर आप इसको परचेज कर लेते हो, थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा। और फ्रेंड्स, अभी डिस्कस करते हैं माइक के ऊपर। तो ये आप देख सकते हो, ये बोया कंपनी का कॉलर माइक है। ये बहुत ही चीप, कॉम्पैक्ट और सबसे मतलब इनिशियल लेवल के लिए ये बहुत बेस्ट माना जाता है। हालांकि ये पैकिंग में आता है, ये देखिए ये एक इंजेक्टर जो इसकी पैकिंग में साथ निकलता है, ये इस तरीके का कुछ माइक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैमकॉर्डर और दूसरा सेलफोन के लिए स्विचेस बने हुए हैं, मे बी शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, अगर आपको ये माइक जो है कैमरे पे यूज़ करना है तो आपको स्विच इस तरीके से ऑन करना होगा, अदरवाइज अगर आप फ़ोन या फिर स्मार्टफोन में इसको यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो है फ़ोन में तो ये नॉर्मली काम चल जाता है, लेकिन अगर आप कैमकॉर्डर में या डिजिटल कैम में इसको यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर फ्रेंड्स एक सेल होता है, जो कि आपको ये देखिए, ये आपको जब आप डिजिटल कैमरे में इसको यूज़ करते हो उसी टाइम आपको ये सेल की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज नॉर्मल अगर आप स्मार्टफोन में इसको यूज़ करते हो तो सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये देख, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये 3.5 mm जैक, इसको आप अपने स्मार्टफोन में इस तरीके से आपको अटैच करना होगा। और उसके बाद ये जो आपका स्ट्रिप है, इसको आप अपनी बेल्ट पे या फिर अपनी पॉकेट में, जहाँ पे भी इसको आप होल्ड करके रखना चाहते हो, ये देखिए ये यहाँ पे इसका होल्डर बना हुआ है,
तो जैसे भी आप इसको स्टिक करके रखना चाहते हो ये आप रख सकते हो। और ये देखें ये है फ्रेंड्स इसका कॉलर माइक, जिसको कि आप अपने कॉलर पे लगा सकते हो। और अगर आपको आइडिया लग रहा होगा आप देख सकते हो ये इसकी 5 to 6 फिट की ये जो वायर है ये आपकी 5 to 6 फिट की इसकी लेंथ है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये तो था एक बेसिक माइक। अगर आप थोड़ा सा एडवांस में जाना चाहते हो, फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हो, तो फ्रेंड्स बोया का ही एक माइक आता है जो कि नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गोरिल्ला ग्लास और आपको माइक बताया है ये बेसिक लेवल का माइक है, आप इससे बहुत एडवांस लेवल की आगे वीडियो शूटिंग कर सकते हो। बट फिर भी थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ होने के लिए, थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन और थोड़ी सी बेटर क्वालिटी के लिए अगर आप इस वाले माइक में इन्वेस्ट करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब या फिर व्लॉगिंग के लिए बेसिक सेटअप जो कि बहुत बेस्ट सेटअप है, आज भी 90% लोग इसी सेटअप का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है थोड़ा सा एडवांस सेटअप कि अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं इन फ्यूचर या फिर आप फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं।